डॉक्टर एस पी वर्मा, कुलभास्कर आश्रम महाविद्यालय इलाहाबाद। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ शिक्षक सामान्यतः ना तो किसी प्रकार की हड़ताल करता है, ना जेल जाने को बाध्य होता है, लेकिन किसी भी सरकार की जो है मंशा उसकी शिक्षा नीतियों से जो है जानी जाती है। और इस सरकार ने 1986 के बाद जो शिक्षा नीति पिछले वर्ष घोषित की है, जिसको कि अभी 15-20 दिन पहले जो है इन्होंने नेट पर जारी कर दिया है, वो शिक्षा नीति ये साबित करती है कि ये आने वाली उच्च शिक्षा सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये ऊपर से 10% लोगों के लिए है, जो सरकारी विद्यालय हैं, जो आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, यानी कि जो शिक्षक सरकारी वेतन पा रहे हैं वही गरीबों की शिक्षा के लिए जो है इस समय कार्यरत हैं। बाकी इनकी जो मंशा है, जैसे तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां पनप रही हैं, उसी प्रकार के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के माध्यम से आने वाली जो है शिक्षा को व्यवस्था को लागू किया जाए। इनका एक मापदंड बनने वाला है, आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति जो पिछले साल इन्होंने लाया है और अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने नेट पर घोषित किया है कि यहाँ के सिर्फ 15-20% लोग ही उच्च शिक्षा ग्रहण पर कर पाएँ, बाकी 85% को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, कायदे से उसको देखा जाए, उस पर पुनर्विचार हो। वो ये तो एक छोटा कदम है हम लोगों को जो है ये न देना, क्या 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू न करना। अब इसमें एक नई व्यवस्था लाने जा रहे हैं, जो आपने अभी एपीआई पूछा था, एपीआई का मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी कि अब इनकी एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है कि सिर्फ 30% लोगों को एपीआई के आधार पर उच्च लेवल से जो आते हैं उन्हीं लोगों को प्रमोशन नहीं, उन्हीं लोगों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, ये जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति की एकेडमिक परफॉर्मेंस तमाम फैक्टरों पर डिपेंड करती है कि उसका विषय क्या है, उसका उसके कॉलेज का लेवल क्या है, उसकी वहाँ सुविधाएं क्या हैं, संसाधन क्या हैं, और किसी भी समस्त शिक्षकों को किसी भी एक नियमावली से बाध करके जो है ले जाना ये न्याय उचित नहीं है। परिणाम क्या होगा ये बता दें। और आपको हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि आने वाला समय वास्तव में गरीब छात्रों का नहीं है, सरकारी शिक्षकों का नहीं है, सिर्फ 10% जो पैसे वाले लोग हैं, जो 500-700 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगा करके यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, उनके यहाँ शिक्षक जा करके शोषित होता रहेगा। लिहाजा या आज इस मौके पर एआई फुक्टो के आह्वान के अंदर हम लोग या तो जो है पूरी तरीके से भारत की जेलों को भर देंगे, और या तो इन्हें अपनी शिक्षा नीति और सारी चीज़ों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही सर, अभी आपने बोला था कि 15 और 85 का जो बात कही थी, ये तो एक राजनीति तौर पे कहते हैं जी 15% राज कर रहे हैं और 85% ऐसा है। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था में भी जो भारतीय नई शिक्षा नीति 2016 के नाम से घोषित है उसमें भी यही व्यवस्था लागू होने जा रहा है। उच्च शिक्षा का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, इन लोगों ने 2-4 नए शब्दों को सीख रखा है, जैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। इनका ये सोचना है कि सिर्फ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं, सरकारी कोई विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं बन सकता, और सिर्फ उनसे बहुत ही महंगे स्तर पर उनसे फीस वसूली जाए छात्रों से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के नाम पर। जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र का, मेडिकल क्षेत्र का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो गया, वैसे ही समस्त विषयों का प्राइवेटाइजेशन होने के विरोध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में, और जितनी भी मांगे हम लोगों की कुल मिलाकर के 11-12 मांगे हैं, और कुल मिलाकर के हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सरकार जो कि आम लोगों की बात करती है लेकिन कार्य कुछ खास लोगों की करती है, वो खास से आम लोगों के बीच में सारी चीज़ों को परिवर्तित किया जाए।